नौसेना को आज मिलेगी घातक अरिघात परमाणु पनडुब्बी, 3500 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलों से हैलेस। आज से ऑनलाइन पासपोर्ट पोर्टल 5 दिनों के लिए बंद, मेंटेनेंस के चलते अपॉइंटमेंट फिर से किए जाएंगे शेड्यूल। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना को मिली बड़ी कामयाबी, नियंत्रण रेखा पर 2 अलग अलग ऑपरेशन में 3 आतंकी ढेर। राजौरी में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी, जवानों ने इलाके को घेरा, कई के छिपे होने की आशंका। प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रिपरिषद के साथ की मैराथन बैठक, महिला सुरक्षा समेत कई अहम मुद्दों पर हुआ मंथन। पीएम मोदी ने की 76,500 करोड़ की योजनाओं की समीक्षा, 11 राज्यों के अफसरों से कहा जल्द निपटाएं शिकायतें। 14 से 18 वर्ष की बेटियों को काबिल बनाएगी केंद्र सरकार, 27 जिलों में 2 हफ्तों में शुरू होगी पायलट योजना। यूपी बिहार समेत 14 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी, गुजरात के 18 जिलों में बाढ़ का कहर, 28 की गई जान। दिल्ली NCR में हल्की हवा के साथ लगातार बारिश, तापमान में आई गिरावट, कई सड़कों पर जलभराव। देश के पहले अंतरिक्ष आधारित रिसीवर का काम शुरू, इसरो ने सहारा रेगिस्तान, प्रशांत महासागर को भेजा डाटा। जम्मू कश्मीर चुनाव के दूसरे चरण के लिए अधिसूचना आज, 5 सितंबर तक होंगे नामांकन, 25 सितंबर को होगा मतदान। हरियाणा चुनाव में बीजेपी की पहली लिस्ट पर चर्चा आज, सूत्रों का दावा 40% मंत्रियों का पत्ता होगा साफ। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस के 20 प्रत्याशियों पर बनी सहमति, कई मौजूदा विधायकों का पत्ता होगा साफ, ऐलान जल्द। कोलकाता दुराचार मर्डर केस में राष्ट्रपति मुर्मू का बयान, का मैं भयभीत और निराश हूं, लोगों का गुस्सा जायज। दुराचार और हत्या पर नया कानून लाएगी बंगाल सरकार, कैबिनेट से मिली मंजूरी, 3 सितंबर को विधानसभा में होगा पेश। अधिकारियों के नाम से आ रहे धोखाधड़ी वाले ईमेल, गृह मंत्रालय ने चेतावनी देते हुए बचने की दी सलाह। DTC के चालकों और परिचालकों से मिले राहुल गांधी, सुनी समस्याएं, मांगों को संसद में उठाने का किया वादा। मलयालम फिल्मों के अभिनेता एम मुकेश की बड़ी मुश्किलें, अभिनेत्री के आरोप पर दर्ज किया गया दुष्कर्म का मामला। हैदराबाद में 175 करोड़ की धोखाधड़ी का पर्दाफाश, SBI शाखा के पूर्व प्रबंधक समेत 4 गिरफ्तार। रोटा वायरस से बच्चों की जान बचाने में कामयाब रहा भारत, अमेरिकी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों ने की तारीफ। शेयरों के दाम चढ़ाने के लिए SME दे रही गलत जानकारी, SEBI ने पैसा लगाने वाले निवेशकों को किया सावधान। ब्राजील की शीर्ष अदालत उद्योगपति एलन मस्क पर सख्त, कहा कानूनी प्रतिनिधि नियुक्त करें वरना एक्स पर लगा देंगे रोक। बिहार के कटिहार में DL कॉलेज के हॉस्टल में गोलीबारी, युवक के गर्दन में मारी गोली, गंभीर हालत में एम्स रेफर। यूपी के बहराइच में आदमखोर खूंखार भेड़िया का आतंक, अब तक 8 की गई जान, दौरा करने पहुंचे वन मंत्री। टेलीग्राम ऐप के संस्थापक पावेल ड्यूरोव पर आरोप तय, दोषी पाए गए तो हो सकती है 10 साल की जेल। भारत में छात्रों की आत्महत्या की दर में 4% की बढ़ोतरी, रिपोर्ट में दावा महाराष्ट्र और तमिलनाडु में ज्यादा घटनाएं। शिवाजी की प्रतिमा को लेकर CM शिंदे ने किया ऐलान, गिरने की जांच और नई मूर्ति बनाने के लिए पैनल गठित। पाकिस्तान में 41% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित, अपर्याप्त पोषण के कारण प्रसव में ही मर रही हैं औरतें। सुरेश गोपी ने मीडिया कर्मियों के खिलाफ की शिकायत, केंद्रीय मंत्री बोले पत्रकारों ने जबरदस्ती रोका मेरा रास्ता। झारखंड के पूर्व CM चंपई सोरेन पर नजर रखने का आरोप, दिल्ली में ठहरे झारखंड पुलिस के 2 उपनिरीक्षकों से पूछताछ। असम CM हिमंत बिस्वा सरमा ने किया बड़ा खुलासा, प्रदेश में लगभग 1,20,000 संदिग्ध मतदाता। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा बनाएगा 50 लाख सदस्य, मिस्ड कॉल, QR कोड से सदस्यता ग्रहण का आह्वान। UPSC में अब आधार से होगा अभ्यर्थी प्रमाणीकरण, पूजा खेड़कर विवाद के बाद कार्मिक विभाग का कदम। पीयूष गोयल बांद्रा मड़गांव ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी, मुंबई कोंकड़ और गोवा के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाएगी ट्रेन। भारत में पानी को लेकर 150% बढ़ी टकराव की घटनाएं, पानी पर नियंत्रण को लेकर अन्य देशों में भी मची मारामारी। नाम प्रतीक कानून में संशोधन पर विचार कर रही केंद्र सरकार, बदलाव में 1 लाख का जुर्माना और कारावास का प्रावधान। गृह मंत्री शाह से मिले अरुणाचल प्रदेश के मंत्री मामा नतुंग, अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए बाढ़ बंदी लगाने का आग्रह। 5 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे चिली के विदेश मंत्री क्लावेरेन, व्यापार निवेश और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर होगी चर्चा। मिजोरम में 5 करोड़ के मादक पदार्थ के साथ 2 गिरफ्तार, पुलिस ने मेटामाइन की 4 लाख गोलियां की जब्त। गुजरात के अमरेली जिले में रेलवे ट्रैक पर आए 5 शेर, लोको पायलट ने मालगाड़ी में इमरजेंसी ब्रेक लगा बचाई जान। अब महिलाओं की काना फूसी से चुनाव जीतेगी भाजपा, दिल्ली में तैयार की जाएंगी 70,000 कमल सखियां। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी शख्स को 17 साल की कैद, 20 देशों में ऑनलाइन सैकड़ों लड़कियों का किया यौन शोषण। केंद्र सरकार ने 3 रेल परियोजनाओं को दी मंजूरी, रेल मंत्री बोले ओडिशा, झारखंड और बंगाल को फायदा।
ट्रेन हादसों को लेकर वैष्णव की राजनीतिक दलों से अपील, बोले रेलवे देश की जीवन रेखा, इसे ना बनाएं राजनीति का विषय। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का बड़ा फैसला, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की निलंबित की सदस्यता। चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए राज्यों को केंद्र की सलाह, कहा रात में गश्त बढ़ाएं, अस्पतालों पर रखें पूरी निगरानी। एफटीए पर भारत ओमान की आगे बढ़ी वार्ता, दोनों देशों के बीच जल्द हो सकता है समझौता। बरेली में गन्ने के खेत में दो नाबालिगों ने की दरिंदगी, आहत किशोरी ने डीजल छिड़क कर खुद को लगाई आग। फ्रांस की राजधानी पेरिस में पैरा ओलंपिक का शानदार आगाज, भारत समेत 167 देश शामिल, खिलाड़ियों में दिखा उत्साह। केएल राहुल की आईपीएल की टीम एलएसजी से छुट्टी तय, मालिक संजीव गोयनका को नए कप्तान की तलाश। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।